दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे एंड एक चीज ना एजेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लोग अनदेखा कर देते हैं, दैट इज हायरिंग टैलेंट इन योर कंपनी। ठीक है, एजेंसी होता क्या है यार? एजेंसी इज ऑल अबाउट मैन पावर एंड कैसी सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो, राइट? हम लोग कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक है, हम एक तरीके से मैन पावर बेच रहे हैं एंड वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट टीम्स। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक एजेंसी चला रहे हो, यू आर नॉट एन फ्रीलांसर, यू आर रनिंग योर एजेंसी, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपके पास में क्वालिटी लोग हो, आपके पास में अच्छी टीम हो जिस टीम के ऊपर आप रिलाई कर पाओ, एंड उस टीम को ट्रेन करना एंड रेगुलर बेसिस पे हायर करना और मैनेज करना एज एन एजेंसी ओनर, ये हमारी जिम्मेदारी है। देखो दोस्तों, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम बैठ के ना एक एक काम करें। ठीक है, हम एजेंसी ओनर्स हैं, हमारा काम यह है कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी के साथ में काम करवा सकते हैं। ठीक है, काम करवाना इज अवर टैलेंट, नॉट काम करना। और स्केलिंग योर कंपनी कि यार लोग बैठ के काम कर रहे हैं, आप अच्छे लेवल में स्केल कर रहे हो, 100K 200K हिट कर रहे हो, फॉर स्केलिंग योर कंपनी टू द मास लेवल यू शुड हैव अ बैंगर टीम एंड आपको कंटिन्यूस हायरिंग करते रहनी चाहिए। और अगर आपकी जो एजेंसी एक अच्छे लेवल में पहुंच चुकी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हायरिंग हमेशा ना ओवर स्टाफिंग रखो, अपना स्टाफ को ना हमेशा थोड़ा एक दो ज़्यादा रखो। ठीक है, ओवर स्टाफिंग से फ़ायदा ये होता है कि अगर कभी भी कोई भी बंदा आपको छोड़ के जाना चाहे तो आपकी कंपनी के जो पिलर्स हैं ना वो हिलते नहीं हैं, वो पिलर्स अपनी जगह पे रहते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ गुड टीम, यू ऑलरेडी हैव फ्यू पीपल मोर। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ SOPs बना के रखो कि जो भी चीज़ आप किसी को सिखा रहे हो ना, ट्राई टू रिकॉर्ड दैट स्टफ। अगर आप उसको रिकॉर्ड करके रखोगे ना, डॉक्यूमेंट करके रखोगे, तो कल को आप जब किसी नए बंदे को हायर करोगे तो आप उसको आराम से ट्रेन कर सकते हो, आपको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आपकी कंपनी के सबसे बड़े एसेट इज योर टीम मेंबर्स। अब इसको आप कैसे करोगे, अपनी एक लीड जेन एजेंसी में कैसे हायरिंग करोगे? एक अपनी वेबसाइट आप जो बनाओगे, एक वेबसाइट आप बना रहे हो, राइट? उस वेबसाइट में ना, अभी हम भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक टैब ऊपर में डाल देंगे जिस टैब में हम रखेंगे हायरिंग, या फिर न्यू हायरिंग या जॉब ओपनिंग या फिर वैकेंसीज, ऐसे करके एक टैब बना देंगे जिस टैब में हम कंटिन्यूअसली हायरिंग की एप्लीकेशंस डालते रहेंगे। हमें जो भी चाहिए हम उसको हायरिंग की एप्लीकेशंस डालते रहेंगे एंड अपना एक जॉब बोर्ड बना के रखेंगे जहाँ पर कैंडिडेट्स आके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी एक HR टीम होगी जो बैठ के रेगुलर बेसिस में हायरिंग करती रहेगी, इंटर्न्स का हायरिंग करेंगी एंड रेगुलर बेसिस पे जॉब में एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी। एंड अगर आपकी एक एजेंसी है तो मुझे पता है हायरिंग आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, लाइक naukri.com यहाँ वहाँ सब जगह डालो, ठीक है, लिंक्डइन पे डालो, चारों तरफ फैलाओ, ठीक है, एंड लेट्स से आपके साथ में आपके पास में 50 कैंडिडेट्स आ गए, आपने एक दो को हायर किया, बाकी के ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं, उनके साथ में नोटिफाई करना वगैरह वगैरह बहुत से काम होते हैं। तो इसके लिए ना एक टूल है जो अभी रिसेंटली मेरी नज़र में आया एंड दैट इज़ बैंगर, मतलब मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ उसको एंड उसकी भी लाइफ टाइम डील है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई बहुत पैसे बचाए हैं मैंने तुम्हारे, इसी बात पे सब्सक्राइब ठोक दो, इतने पैसे बचा रहा हूँ मैं तुम्हारे। तो एक टूल है jobboardly.com, ठीक है, उस पर क्या होता है, आप अपने जॉब बोर्ड्स बना सकते हो एंड वहाँ पर लोग आके अप्लाई कर सकते हैं, आपका खुद का पर्सनल वाइट लेबल जॉब बोर्ड आप बना सकते हो एंड इट इज़ अ बहुत ब्यूटीफुल टूल। ठीक है, लाइफ टाइम डील $100-200 समथिंग की है एंड कूपन कोड भी यूज़ कर लेना चेतन, तो उसमें आपको $100 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। कि हाउ डज इट लुक लाइक, जितने भी जॉब बोर्ड्स हैं मार्केट में, दे आर चार्जिंग $99 अ मंथ, $200 अ मंथ, सम आर इवन चार्जिंग $500 अ मंथ। इतना ज़्यादा क्रेजी मार्केट में प्राइस चल रहा है, बट एक ये वेबसाइट मैं ढूंढ के लाऊँ आपके लिए जो लाइफ टाइम डील दे रही है एंड जहाँ आप अपने जॉब बोर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, तो अब ये दिखने में कैसा होगा, हेयर इट इज़, ये आपकी वेबसाइट रहेगी जॉब बोर्ड्स, वेरी सिंपल वेरी क्लियर। एंड यहाँ पर ना आप अपनी वैकेंसीज निकाल सकते हो, जैसे एड अ न्यू जॉब, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स डालोगे, क्या आपको चाहिए, वीडियो एडिटर्स चाहिए, VAs चाहिए, अपॉइंटमेंट सेटर चाहिए, सेल्स क्लोजर चाहिए, क्लोजिंग के लिए बंदा चाहिए। क्लोजिंग का तो वैकेंसी हमेशा चालू रखो, ठीक है, क्लोजर्स तो जितने आ जाए ना उतने कम है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके बिजनेस में पैसे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एंड तुम अकेले बैठ के मार्केट की बड़ी बड़ी एजेंसीज को नहीं हरा सकते हो मेरे भाई, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट बिग टीम्स। रिसेंटली अभी मैं जाकर आया हूँ, दिल्ली गया था मैं, ठीक है, नोएडा गया था, बहुत लोगों से मिला, ठीक है, अपने हिम भाई से मिला, जॉय से मिला था, सब लोगों से मिला, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ पर देखा ऐसे ऐसे एजेंसी ओनर्स, भाई मैं देखा वहाँ पर ऐसे ऐसे ऑफिसेज बने हुए हैं
उस ऑफिस में 30-40 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस, ठीक है, सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स, एंड दे आर मेकिंग 100K 200K अ मंथ जो बैठे हुए हैं मार्केट में, एंड दे आर मेकिंग क्रेजी मनी, ठीक है। एंड अभी हमें अगर उन सबसे कम्पीट करना है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जॉब बोर्ड में हम यहाँ पर अपने जॉब टाइटल्स डालेंगे, यहाँ पर हम अपना, हमें फुल टाइम चाहिए, कंपनी नेम, कंपनी वेबसाइट, ठीक है, लोगो डाल सकते हो वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स डालोगे, दैट्स इट। एक बार आपने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी, उसके बाद में आप क्रिएट अ जॉब पे क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पर व्यू जॉब बोर्ड, आपका जॉब बोर्ड ऐसा दिखेगा, chetan.jobboardly.com, तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा, briangator.jobboardly.com, जो भी है, वाइट लेबल कर सकते हो आप इसको, अपना डोमेन लगा सकते हो, एंड यहाँ पर ना आपकी सारी जॉब्स जो भी हैं वो एक ही जगह में दिखने लगेंगे, एंड ये लोग खुद आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं बाकी जगहों में ना, जिससे लोग इसको अप्लाई कर सकें, एंड यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। तो ये जॉब बोर्ड अगर आप बना कर रखोगे ना, ये आपकी कंपनी के लिए गोल्ड माइन है भाई, गोल्ड माइन है। रेगुलर बेसिस पे टैलेंट हायरिंग हो रही है, रेगुलर बेसिस पे एचआरस आपकी हायरिंग कर रहे हैं, क्लोजर्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रही है, एसओपी सेट है, और क्या चाहिए भाई। आपको रेगुलर बेसिस पे टैलेंट को लेकर आना है, और इतनी स्ट्रांग एसओपीज बनानी है कि आपको अपना सिंगल मिनट इन्वेस्ट ना करना पड़े, और आपकी टीम टोटली ट्रेन हो जाए। एंड वंस यू हैव बिल्ड दिस सिस्टम, तो आपको कोई डर ही नहीं रहेगा, कोई भी छोड़ के जा रहा है तुम छोड़ के जाओ, आई हैव एंटायर सिस्टम टू एक्वायर मोर टैलेंट इन माई कंपनी। अगर कोई बंदे को आप 20,000 की सैलरी दे रहे हो, ट्राई टू मेक 1 lakh फ्रॉम दैट गाय, भाई इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या है भाई। मैं तो यही कहता हूँ, अगर इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनी के ऊपर करो, और लोगों के ऊपर करो, लोग जितना रिटर्न तुम्हें दे सकते हैं ना, उतना रिटर्न तुम्हें और कोई नहीं दे सकता भाई, ठीक है। हायर अ राइट टैलेंट, पॉलिश द टैलेंट, एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ये जॉब बोर्ड आप यूज करोगे, ठीक है। जॉब बोर्ड्स कैसे बनाने हैं मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पर आप अपने पेजेस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना होम पेज वगैरह लगाना है, आप SEO कर सकते हो, थोड़ा और रिसर्च कर लेना, इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने जॉब बोर्ड्स यहाँ पर बना सकते हो, एंड यू कैन हायर मोर पीपल इनटू योर कंपनी, ठीक है। हायरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी हायरिंग करोगे उतना ज़्यादा स्केल करोगे। यहाँ पर आप डिज़ाइंस लगा सकते हो, अपना कलर, ब्रांड कलर जो भी आपका वो लगा सकते हो, जो भी ब्रांड कलर आपका है, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगा सकते हो, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके जो सपोर्ट टीम मेंबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को अपने डोमेन्स यहाँ पर आप लगा सकते हो, एंड पेमेंट गेटवेज भी आप लगा सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। पेमेंट गेटवेज भी आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल टूल, एंड यू कैन यूज़ इट। अपनी वेबसाइट में एक फोल्डर बना देंगे हम, एक पेज बना देंगे जहाँ हम रेगुलर हायरिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम हायरिंग करते जा रहे हैं ना, ये तो एक टूल हो गया, ये तो लाइफ टाइम डील है, अभी ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कूपन कोड लगा के। नेक्स्ट आपको ना ऑटोमेशन के लिए कई चीज़ों की जरूरत है, ठीक है। अभी ये जो सीरीज बना रहा हूँ ना, ये किड्स के लिए नहीं है। इफ़ यू आर अ किड, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, दिस इज नॉट फॉर यू। इसमें मैं आपको ना कुछ क्रेजी टूल्स के बारे में बताऊंगा, विच रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत लगेगी उसमें, लेकिन भाई जो उससे आपको ROI मिलेगा ना, और जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ना, आप बोलोगे चेतन भाई मजा आ गया, चेतन भाई थैंक यू, तुमने यार दिल जीत लिया मेरा। मैं आपको ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के सारे टूल्स, कौन से टूल्स आपको रिक्वायर्ड है, आउटरीचिंग करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए, कैसे आप अपने आउटरीचिंग को ऑटोमेट करोगे, चैटबॉट्स कैसे बनाने हैं, एवरीथिंग के ऊपर ना मैं टूल्स का रिकमेंडेशन दूंगा। तो इस वीडियो को देखो, टूल्स का रिकमेंडेशन सारे आपको देने वाला हूं, जो जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर स्केलिंग दिस एजेंसी। आप लोगों के लिए कम्युनिटी भी हमने बनाई है, उस कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे एजेंसी ओनर्स को मैसिव अगर मार्केट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नया आया, कैसे आप स्केल कर सकते हो, ज्वाइन माई कम्युनिटी, एंड वी आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मेक श्योर टू वॉच दिस वन, बाय बाय।